कल भारतीय जनता पार्टी मंडल बनखेड़ी द्वारा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व वाणिज्य कर मंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा कर मंत्री रहते हुए कर में कटौती की थी, जिससे भारत के लघु और कुटीर उद्योग पर भारी मार पड़ी। चीन के साथ वो कमलनाथ वाणिज्य मंत्री थे, उस समय इन्होंने चीन को जो चीजें आयात होना थी हिंदुस्तान में, उन पर जो छोटी छोटी उद्योग थे, जैसे दोना पत्तल, महिलाओं के श्रृंगार का सामग्री, खिलौना, आपके जो बल्ब सीरीज वगैरह, इन पर 50% से लेकर 200% की छूट दी गई और कहा यह गया कि हिंदुस्तान में इससे फायदा भी होगा। लेकिन राजीव गांधी जो फाउंडेशन था उसमें इसी बीच में इसके पहले चीन द्वारा चीन के एम्बेसी ने पैसे जमा किए 90 लाख, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी उसने पैसा दिया, इस तरह 30,000 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में जमा किया गया और उसको एक काम सौंपा गया कि आप चीन में जाके सर्वे करें और हिंदुस्तान में सर्वे करें कि चीन के द्वारा जो आज की सामग्री है उससे देशों को कितना फायदा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ बताया भी, लेकिन दो बार इस फाउंडेशन को, इस मिशन को, जिसमें चीन की सरकार ने, चीन की एम्बेसी ने लगातार जो 1,000 करोड़ रुपए का चंदा दिया, उसके बदले में कमलनाथ वाणिज्य मंत्री थे उस समय, इन्होंने इस देश को गरीबी रख दिया, इस देश को यहाँ पर रोजगार जो था, छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग, सारे के सारे चीन को 50% से लेकर 200% की छूट दी, जिसकी वजह है क्या चीनी सामग्री हर घर में देखी जा रही है और हिंदुस्तान के जो छोटे कुटीर उद्योग थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए। ऐसी इसकी हम निंदा करते हुए कमलनाथ की, आज जो वाणिज्य मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व के, उनका पूरा देश पुतला जला रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ ये मंडल द्वारा पुतला जलाया जा रहा है। इस कारण से कमलनाथ का पुतला जलाया जा रहा है।